güey, me saca Shiro. देखिए कॉपीज दे दीजिए सिर्फ अपनी, समय वाकई बहुत कम रह गया है, तस्वीर के चक्कर में कार्यक्रम होना है तो अच्छा अच्छा थैंक यू चलिए हो गया। देखिए दूसरा सेशन शुरू होने वाला है। नहीं नहीं ये गलत बात है, क्योंकि अब बहुत देर से मैं खड़ा हूँ ना, सबसे मिल लिए वाकई भाग के तो नहीं मेरा होना यहाँ और भी कार्यक्रम होने हैं तो फोटो छोड़ दीजिए फिर मैं यहाँ से सीधे चला जाऊंगा। मिल ही जाते हैं यहाँ दिल्ली में, कहाँ 50 रुपये में मिल जाते हैं। नहीं नहीं मैं मिल जाता हूँ भाई, करवाना पड़ेगा ना। ठीक है ठीक है, आप पहले ही हमसे बात पूछ लेते। स्टॉल पे आ जाओ, आराम से आइए सर, यार निकलने दो यार, आगे जाते। सो फ्रेंड इस समय हम प्रगति मैदान आए हुए हैं, यहाँ पर विश्व पुस्तक मेला लगा हुआ है। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पीछे काफ़ी भीड़ हुई है। हमारे साथ हमारे बड़े भाई आए हैं और हमारे दोस्त अब्बास भाई आए हैं, वो अभी आपको कुछ बताएंगे। चलते हैं उनसे पूछते हैं। भाई आप हमारे व्यूअर को कुछ बताइए। जैसा कि सभी लोग जानते हैं इस टाइम विश्व पुस्तक मेला 2020 14 से 12 जनवरी शुरुआत हो गई है, और इस पुस्तक मेला में पहले से जो दर्शक पहले आते थे उसके मुकाबले बहुत ज़्यादा हैं। और सबसे बड़ी खास चीज़ मुझे इसमें लगी कि इस बार 23 भाषाओं में यहाँ के प्रशासक अपना स्टॉल लगाए हुए हैं, 460 समथिंग इतना कुछ यहाँ पे स्टॉल लगाए गए हैं, और 2300 कुछ समथिंग जो है यहाँ पे डेली जो है कुछ था मेरे जहन से निकल गया है, इस तरह की चीज़ें हैं। और सबसे बड़ी चीज़ लोगों का जो रुझान बढ़ रहा है पुस्तक खरीदने की तरफ, ये अपने आप में एक अचीवमेंट है, क्योंकि बहुत सारे आज हमारे समाज में बहुत सारे वर्गों को जो इल्म मिल रहा है, जो ज्ञान मिल रहा है, उनका नॉलेज जो है फेसबुक और व्हाट्सअप तक सीमित हो गया है। तो जहाँ तक हमारे समाज को अगर सही दिशा में और सही ज्ञान की ज़रूरत है तो वो ऐसे पुस्तक मेलों में आएँ, यहाँ से जो ऑथेंटिक राइटर हैं उनकी बुक्स खरीदें और उनसे पढ़ें और उनसे इल्म हासिल करें, ताकि उन्हें एक सही दिशा में जो ज्ञान है और मार्गदर्शन है वो मिल जाए। वरना आज के टाइम में समाज में बहुत सारे भ्रम फैलाए गए हैं, बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो सभी जानते हैं कि जो उनका कोई झूठ झूठ पे आधारित है कम्प्लीटली, और उनका कुछ किसी वास्तविकता से दूर तक लेन देन नहीं है। लेकिन जो लोग चाहते हैं अच्छे इल्म के लिए और अच्छे एजुकेशन के लिए, तो वो ऐसी जगहों पे आएँ और यहाँ से जो मतलब सही यहाँ पर ऐसा है कि मतलब जो बुक लेना चाहो सारी की सारी बुक यहाँ पर जी हाँ सभी यहाँ पर बुक्स मिल गई। जी जी हर प्रकाशक की यहाँ पर बुक मिल गई, और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर बच्चों से लेकर बूढ़ों तक के लिए, मतलब 23 प्रकाशक विदेशी भी हैं। जी हाँ 23 प्रकाशक जो है विदेशी हैं, जो 23 भाषाओं में यहाँ पर जो है अपनी स्टॉल लगाए हुए हैं। तो सबसे बड़ी बात है ये भी, हमारे देश में दूसरी भाषाओं का भी प्रचलन होना, ये कहीं ना कहीं बताता है कि हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय। यहाँ पर एक स्टॉल लगा हुआ जिसमें कम से कम मतलब 500 बुक गांधी जी की 500 बुक एक ही स्टॉल पे मिल जाएंगे। हाँ गांधी तो, और इस बार थीम भी उनकी यही है गांधी को लेकर। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इस बार का जो फेयरवेल लगा है इससे गांधी पर ही आधारित है, क्योंकि महात्मा गांधी लेखकों के लेखक हैं और उनकी प्रासंगिकता हमारे समाज यही बार है लेखकों के लिए, गांधी लेखकों के लिए, और महात्मा गांधी की प्रासंगिकता हमारे समाज में बनी हुई है और ये बनी रहेगी। ये ऐसा मॉडल है महात्मा गांधी का जो विश्व के लिए एक मॉडल है। जब विश्व के पास सब कुछ था और उसके पास आत्मा नहीं थी,
क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध देखें आप, ये द्वितीय विश्व युद्ध तो यूरोप से शुरू होता है, वहाँ पर भौतिकतावादी संस्कृति ने अपने आप को बहुत उन्नत किया था, लेकिन उनके पास नैतिकता खत्म हो गई थी। उस दौर में जब विश्व लड़ रहा था आपस में, तो उस दौर में महात्मा गांधी एक ऐसे जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आपने हमारे व्यूअर को बहुत कुछ बताया, ठीक है भाई, थैंक यू। थैंक यू। तो आप मेला देखने आए थे प्रगति बुक फेयर? हाँ, मैं देख के आया पूरा, अभी मैं राजकमल के प्रकाशन के स्टॉल से कई सारी किताबें खरीदा, फिर बानी प्रकाशन के स्टॉल से किताबें खरीदा, बहुत सारी किताबें हैं, आप देखते देखते थक जाएंगे। कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लगा, सबको जाना चाहिए, अगर कुछ ना कुछ ज़रूर खरीदे जब आए, अगर जाएंगे तो कुछ ना कुछ खरीद के ही आएंगे, ऐसा है, और देखने के लिए बहुत चीज़ है, आप देखते देखते थक जाएंगे जी, बिल्कुल भ्रम में भी पड़ जाएंगे क्या खरीदे ना खरीदे, अगर आप पहले से सेलेक्ट करके आएँ कि हमें ये किताबें खरीदनी है तो ठीक है, नहीं तो आप भ्रम में पड़ जाएंगे क्या खरीदे ना खरीदे, कौन सा लेखक को खरीदे, नए लेखकों को खरीदे, पुराने वाले खरीदे। ये कह रहे हैं कि मतलब जो बुक लेना है आप पहले वहाँ सोच के आइए, अगर यहाँ पर आएंगे तो कन्फ्यूज हो जाएंगे, यहाँ पर इतनी सारी बुक है, ये आपका कहने का मतलब ना? हाँ, मैं जी बिल्कुल, बहुत अच्छा। सो फ्रेंड, वीडियो आप लोगों का कैसा लगा? आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक करें, और सबसे ज़रूरी बात आप लोगों को हम बता दें कि आप लोग अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आप लोगों को मेट्रो से आना बहुत सही रहेगा, क्योंकि यहाँ पर सबसे नज़दीक जो मेट्रो स्टेशन प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन है, आप वहाँ से आकर आप देख लीजिए, बिल्कुल हम स्टेशन के पास में, और यहीं पर ये जो बुक फेयर है ये लगा हुआ है। तो दोस्तों, ये अभी 12 तारीख तक चलेगा, और मिलते हैं आप लोगों को हम अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।